कहीं पे उन्होंने ये कहा कि मैं बना खुला तंदूर, लोगों ने आके रोटी सेके, इट वाज लाइक कि कितने लोगों ने रफ्तार का यूज किया है। तो ये किसकी तरफ इशारा? तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो साथ या खिलाफ ऑफ कृष्णा एक्स रफ्तार। तो रफ्तार के बहुत सारे गाने मैंने पहले सुने हैं पर कभी रिएक्ट नहीं किया, और कृष्णा का ना गाना मैंने कभी सुना है ना कभी रिएक्ट किया, तो दिस इज माय फर्स्ट टाइम। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। जीता कौन, हारा कौन, गेम चला रहा कौन, सारे चका चौन, दिस लेवल का साला कौन, इज द हैंड ऑफ गॉड, जैसे मैं हूँ मैराडोन, आ मेरे शहर में दिखा दूँ तुझे ज्वाला कौन, मुझे खबर है कबर में भी अमर है मेरा नाम, दे सम्मान इस शाम का बोलू जाला कौन, रैप के रेगिस्तान में मैं वो इंसान जिसका हक से नाम जैसे इल्जाम बिन सहारा कौन, सुन लो सूचना फिर बाद में मत पूछना, सांपों को देने आया मौत बेटा जैसे जूस का पहलवान हूँ मैं, भूत का पूछे अगर सबूत का, 99 वाला एम मेरे पेन में ही प्रूफ था, ले ले एडवाइस अब माइक पे मैं नाइस अब, बर्फ लगा ले चोट पे, ओनली टाइम दैट यू आई स्टक, खेल में थे भाई सब, बनाया मैंने फाइट क्लब, मेरे बार दे दे रैपर्स को शॉट जैसे ये नाइट क्लब, लाइट अप छोटे तू कलो ना हो, एक रैपर को लगा होगी चांदी उसकी परसोना दो, ट्रैक पे बनते हैं शेर असलियत में जो ना वो, पास भी नहीं आते मेरे आई कॉल इट कोरोना ब्रो, यू नो हाउ वी राइट, कलमकार गैंग मींस होमसाइड, बोल बने जाली क्यों, बात को दबा ली क्यों, फेम का भिखारी तू, मैं एम से शिकारी हूँ, या तो मेरे साथ तो या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात if you're running with the ops, या तो मेरे साथ तो या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ, या तो मेरे साथ तो या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात if you're running with the ops, या तो मेरे साथ तो या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात और ये बात, ये भागी तारी जैसे मॉब डीप, RIP to prodigy, काफी ने ना सुने काफी पहले फैले वॉनबीज, RIP to JB, blessings from my enemies, आदत इनकी तोहमत की तो मोहलत फोकट की है ही नहीं, तो तक में शौरव देके भी चौखट पे सौबत बैठेगी, नौटंकी चौपट मैंने की मिली दगा है, पहले भी डोनट लगेगा गाड़ी में, पन्नी चढ़ी थी मैंने ली, कन्नी कटेगी तेरी ही, पैदा हुआ मैं शहरी नी, कच्ची कैरी के गहरी साजिश के खाओ कॉफी, हल्की खरोचे है खफा पड़ी है डाओ कॉफी, चलते जहाजों से जिनकी चलती ना नाव, काली कलत मैंने दी तो मैं ना हिंदुस्तानी पाओ, पहली फुर्सत में कुदरत ने मेरी गुर्बत कर दी दूर, मशहूरी मेरी मजबूरी कलाकारी गुरूर, कसूर मेरा इतना मैं बना खुली तंदूर, बंदे आए रोटी से की मेरी बोटी रहे घूर, अब ग्लिच बॉय मैं ही हूँ, नियो बिच बॉय, पिटने वाले स्मिथ है सारे जिनके पीछे इच बॉय, ध्यान मेरा अपनों पे है करना उनको पिच बॉय, न्यूज फ्लैश फ्रॉम द फ्यूचर, कर्मा इज द रिच बॉय, कलमकार वी बी गोइंग हाई, आप भी मेरे साथ झूठे पहले मेरे भाई, है सपने मारी गांठ ये के वी गो वन एंड आई, है पाले मैंने सांप अब सपेरा बोले मैया, या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात if you're running with the ops, या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात तो ये बात पूरी साफ, या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात if you're running with the ops, या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात तो ये बात पूरी साफ, if you care मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात पर ये बात पूरी साफ, खतरनाक था ये। और जो वो वाला था ना वुड यू डाई फॉर मी, वो एंड वाला जो फ्लो था वो मुझे बड़ा मजेदार लगा। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कृष्णा को सुन रही हूँ, ऑफकोर्स उनके लिरिक्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, और रफ्तार की जैसे ही एंट्री हो जाती है मुझे ऐसा लगता है कि रफ्तार ने कहीं ना कहीं डोमिनेट किया, क्योंकि रफ्तार की आवाज में जो वो
हार्ड आवाज है हम कहते हैं, जैसे रैप के लिए जरूरी है, और उनका जो एटीट्यूड है, या फिर शायद हम लोगों को देखने की आदत ज्यादा है, शायद मुझे देखने की आदत रफ्तार को ज्यादा है, दैट्स द रीजन मेरे को लग रहा है रफ्तार ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया. एंड लिरिक्स वाइज रफ्तार के भी लिरिक्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, एंड ऑफकोर्स कृष्णा के लिरिक्स वॉज ऑल्सो सुपर्ब मैन. तो अभी लिरिक्स बहुत ज्यादा याद नहीं है, जो थोड़े थोड़े याद है वो इतना याद है कि कहीं पे उन्होंने ये कहा कि मैं बना खुला तंदूर, लोगों ने आके रोटी सेके, इट वॉज लाइक कि कितने लोगों ने रफ्तार का यूज किया है. तो ये किसकी तरफ इशारा था ये आप लोग को पता ही होगा. तो बहुत लोगों ने मेरा यूज किया, और कोई कोई लोग थे जो पहले से मेरे साथ थे, जो मुझे भाई कहते थे, वो आज भी मेरे साथ थे, साथ है. और मेन लाइन जो था वो, या तो मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ, तो बी दैट ओके, या तो मेरे साथ रहो या मेरे खिलाफ, जब तक मेरे से बेनिफिट है, जब तक मेरे साथ तुम्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है, तब तक मेरे साथ रहो. एंड जैसे ही आप कहीं पे पहुंच गए एक लेवल पे, एंड देन यू गेट खिलाफ, सो इट्स लेट इट बी, किए गया तो साथ रहो या खिलाफ रहो. आई माइंड बी रॉन्ग, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे रैप पे रिएक्ट कर रही हूँ, तो मुझे एक्चुअली में पता नहीं ये किसके लिए है या कुछ ऐसे. तो जैसे फ्लो बैठ जाएगा तब मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या है. मुझे लगता है अभी लिरिक्स को गूगल ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ लिरिक्स है, इतने सारे लाइन्स थे थ्रू आउट, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है. तो कृष्णा के लिरिक्स के ऊपर मैं पहले बात करना चाहती हूँ. आ मेरे शहर में दिखा दूँ तुझे ज्वाला कौन, ओ माई गॉड, सुपर. फिर मुझे खबर है कब्र में भी अमर है मेरा नाम, वाओ. मुझे खबर है कब्र में भी अमर है मेरा नाम, इतना नाम कमाना चाहिए, वाओ सुपर. तो ट्रैक पे बनते शेर असलियत में, जो ना वो पास भी नहीं आते मेरे, आई कॉल इट कोरोना फ्लो. ये लाइन मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई, यू नो, वाओ सुपर, ही किल्ड इट, ही किल्ड इट एक्चुअली. एंड देयर रफ्तार, और उनका एटीट्यूड भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने कैमो प्रिंट की जैकेट पहनी है, फिर ब्लैक जैकेट पहनी है, बैकग्राउंड भी थोड़ा सा डार्क डार्क ही था, शायद रैप के मोस्ट ऑफ द टाइम बैकग्राउंड जैसे डार्क डार्क रहते हैं. तो एक जगह पे उन्होंने कहा है कि कसूर मेरा इतना, मैं बना खुला तंदूर, बड़े आए रोटी सेके. तो माई गॉड, ये किसकी तरफ इशारा था. तो बहुत से लोग आए जब वो थे एक पॉइंट पे, एक लेवल पे, एक अच्छे मतलब लोगों ने उनका फायदा उठाया, जैसे फायदा मिल गया उनको, एंड दे वॉक्ड अवे. एंड ये कसूर मेरा ही है कि मैंने लोगों को मेरी इस्तेमाल करने के लिए मैंने परमिशन दे दी, ऐसा उनका कहना था. तो कर्मा इज अ रिच, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है. एक्चुअली मैंने इसके पहले कर्मा इज अ बिच सुना था बहुत बार, बट कर्मा इज अ रिच, इसका मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आया. शायद आपने कर्मा अच्छा किया होगा, अच्छे लोगों के साथ रहे होगे, तो कर्मा विल मेक यू रिच एज वेल, शायद ये मतलब होगा उसका. एंड देन उनका ये कहना था कि दोनत लगे गाड़ी पे, जो उन्होंने अपने पैसे से खरीदी हुई गाड़ी है, शायद उसके ऊपर कुछ सवाल उठे थे, शायद ऐसा कुछ हुआ है. जो वो कहना चाहते हैं कि वो गाड़ी जो मैंने खरीदी थी उसके ऊपर इन लोगों ने सवाल उठाया, कि शायद उन्होंने नहीं खरीदी, ऐसा कुछ सवाल उठा होगा. तो ये उनका कहना था. और मेरे को एक लाइन बहुत ज्यादा पसंद आई, हुआ है जलते जहाजों में जिनकी चलती नहीं नाव. तो लिटरली जिनकी खुद की नाव नहीं चलती वही जहाजों पे जलते हैं, मैंने बहुत से बार देखा. लाइक नॉर्मली मैं एक एज ए यूट्यूबर मैं बात करूँ कि मेरे को जब नेगेटिव कमेंट आते हैं, मैंने लिटरली बहुत से बार ध्यान नहीं दिया, बट एक बार मैंने सोचा कि यार ये इतना क्यों नेगेटिव कमेंट करा. तो उसके प्रोफाइल पे क्लिक करके देखा मैंने, तो उसका खुद का एक चैनल है, शायद गेमिंग चैनल था या कुछ, एंड वो खुद आई गेस सालों से ट्राई कर रहा है, बट उसके सब्सक्राइबर्स कुछ 70-80 थे. तो व्हाट हैपेंस इज कि उन लोग का वो अपना फ्रस्ट्रेशन वो कहीं ना कहीं दूसरों पे बहुत से बार निकालते हैं. आई हैव सीन दैट अ लॉट. तो ये लाइन भी मुझे खतरनाक लगी, सुपर्ब थी, एंड रफ्तार किल्ड इट एक्चुअली. हाँ, अब भी मेरे साथ है जो पहले थे मेरे भाई. तो साथ निभाने वाले कभी भी साथ निभाते हैं. बिफोर मेकिंग फ्रेंड्स थिंक अ लॉट, कौन आपका फायदा ले रहा है, क्या कर रहा है, आप समझ के लो. और रैप के रेगिस्तान में मेरा नाम शाइन होता है, ऐसा कुछ लाइन था उसका कृष्णा का. तो कृष्णा ने भी बहुत ज्यादा रॉक किया, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये कलमकार. वाह सही था, ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन था. और जैसे जैसे मैं रिएक्ट करते जाऊंगी मुझे लगता है कि मुझे वो फ्लो समझ में आ जाएगा, कि कौन किसको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है और कौन किसको
क्या कह रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एमवी में बंटाई के एक सॉन्ग पे रिएक्ट किया था, तो उस पर बहुत से लोगों ने बोला कि ये लाइन इसके लिए था, ये लाइन उसके लिए था. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज, मैं अभी बीच में से अभी से रिएक्ट कर रही हूँ, तो दैट्स द रीजन मेरे को फ्लो समझ में नहीं आ रहा. और आपके जैसे मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है, तो बहुत से लिरिक्स है जो खो जाते हैं, जो हम हमारे ध्यान में नहीं रहते हैं. बट मेरे को इनका जो कोलैब है ये मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, खतरनाक लेवल का है, क्योंकि लिरिक्स वाइज इवन कृष्णा डिड सुपर्ब. एंड मुझे रफ्तार का आवाज़ बहुत ज़्यादा वैसे भी बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें. एंड फ्लो म्यूजिक वगैरह जो कुछ भी था वो इतना ज़्यादा मस्त था कि मैं इन्जॉय कर रही थी. ऊपर से लिरिक्स में सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान था कि हाँ हाँ कहीं कुछ मिस ना कर दूँ. ऐसे लिटरली ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ मिस ना हो जाए मेरे से, मेरे को सुनना है कुछ ऐसा मिस. अब मुझे लगता है कि शायद मेरे से मिस हो गया होगा, बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे कि आपकी फेवरेट लिरिक्स, आपकी फेवरेट लाइन क्या थी, और मैंने कुछ बड़ा सा मिस आउट किया होगा तो वो भी नीचे मेंशन कर देना. और थोड़ी सी मेरे लिए भी इन्फॉर्मेशन छोड़ जाना कि इसका मीनिंग ये था और ये किसके लिए था, कैसे था, क्या था, सो दैट आई गेट इन टू इट, आई गेट इन टू फ्लो. तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो साथ या खिलाफ ऑफ Krishna X Raftaar by Kalamkar. What do you feel about my reaction? Do let me know in the comment section below. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी रफ्तार या Krishna के सॉन्ग्स आए तो मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है कि उनके सॉन्ग्स पर रिएक्ट करने के लिए. I come up with videos every day. So don't forget to like, share, subscribe and drop a comment in the comment section below. बाकी परत मी आलेच हा. Bye.